हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कहोगे कि वीडियो इतनी लेट अपलोड क्यों हो रही है। एक्चुअली भैया दूज के बाद मैं बीमार हो गया था, तो अप्रोक्सीमेटली 5 दिन तो बेड से उठा ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया था, बुखार अप्रोक्सीमेटली 103.4 के करीब पहुँचा हुआ था। तो इतनी हालत नहीं रही कि वीडियो मैं बना पाऊँ, तो उस करके आजकल मैं बेटर फील कर रहा हूँ, तो बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ भाई दूज की वीडियो क्लिप। जैसे कि आप जानते हैं, मैं और बदना आजकल चंडीगढ़ पहुँचे हुए हैं, तो चंडीगढ़ में ही बना रहे हैं भाई दूज वगैरह। और ये देखिए इशू ट्यूशन से आ गई है, और त्रिशा देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या चीज़ बांट रहे हैं। तो गाइस एक बात और कहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट्स आप तक जल्दी पहुँच जाएँ। और जिन्होंने मेरी लास्ट की जो वीडियो है वो नहीं देखी है, ज़रूर वॉच आउट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो किस टाइप की लग रही है, क्योंकि कमेंट मोटिवेट करते हैं एक यूट्यूबर को कि नया कंटेंट कंटिन्यू बनाते रहें। तो बने रहिए वीडियो के साथ, शेयर करेंगे आपके साथ और मज़ेदार वीडियो क्लिप्स। अभी मैं, दीदी वंदना और जजी भाई दूज का जो पावन त्यौहार है, एक दूसरे को, जैसे कि आप जानते हैं भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को रुमाल वगैरह और जैसे गरी हुई जिसमें दाख और आपके बादाम वगैरह रहते हैं, वो देते हैं भाई को। तो यही होता है भाई दूज के दिन। ये देखिए, ये नारियल वगैरह लेके आ गए थे, ले कर लिए। तो अभी तो इधर भाई दूज बना रहे हैं, तो इसके बाद जो छोटी दीदी है वो भी इंतज़ार कर रही है हमारा। एक्चुअली वो भी बीमार हो रखी है, तो हम ही जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वंदना ने भी भाई दूज बनानी है वहाँ जाके। तो उधर ही जाते हैं दीदी घर पे, वहाँ पहुँच के भी मैं शेयर करूँगा वहाँ की वीडियो क्लिप्स। अब ये देखिए त्रिशा मेरी गोद में बैठी हुई है, ये देख रही है कि क्या मम्मी और मामू जी क्या कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं चंडीगढ़ में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अब थोड़े दिनों के बाद निकल भी पड़ेंगे घर की ओर, क्योंकि चंडीगढ़ का जो काम है मे भी वो हमारा ख़त्म हो जाए। तो इस टाइप से निकल रहे हैं चंडीगढ़ में। दिन जब टाइम लगता था तो हम घूमने के लिए निकल जाते हैं। आजकल तो आपको जैसे कि आप मालूम ही है, दिवाली का सीज़न चला हुआ है, दिवाली के बिज़ी हो रखे थे, उसके बाद भाई दूज का रहता है, तो ये तो यार हम घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं रूम पे ही। तो गाइस वीडियो किस टाइप की लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ज़रूर बताइएगा। और पिछली वीडियो नहीं देखी है ज़रूर वॉच आउट करें, और हम जो वीडियो मैंने पिछली रॉक गार्डन की, रोज़ गार्डन की शेयर की हुई है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है ज़रूर देखें, और उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने प्यारे प्यारे मैसेज छोड़ें कि वीडियो किस टाइप की है। तो बने रही वीडियो के साथ, शेयर करेंगे आपके साथ और मज़ेदार वीडियो क्लिप्स। क्या पानी तो ले आना है, अनार की तरह जलती है वो, नहीं है अनार की तरह जलती है वो। भाई दो है अब की बारी, साफ तो नहीं हो जाए, जिसको जलाते फिर काला काला सा होता है, साफ तो बोलना देखिए। हाँ हमने जलाई, ठीक है जब बढ़िया।
वो दूसरे चढ़ चढ़ करते हुए वो अनार की तरह नहीं बता रहे थे छोटे छोटे हमने खरीदे थे मैं ना और रात जी जाती छोड़ रखे ठेस से ना बिग बॉस देख रहे कटे गए से सिग्नल कम था आऊंगर पल्लू भेजेगा स्वास्थ्य से बड़े इक्कीस के खियो सिग्नल ले चले हारा को पता ही नहीं लगा कब जो बस हम लोग बाहर ग्राउंड में जलाए थे देख पटाखे ऐसे मैं पूरा डब्बा हो गया फोटो ले ले सारे ले ले वे फोटो ऐसा एक ऑप्शन बचा रहे अभी अपने आंसर धो के आया है किसको किसको पड़ी है मार भाई इससे बड़े बड़े इशू को फोटो ले ले मैं चला उससे मैं अंदर ने सारी देख तो मुंह तो चलाना बंद करा आ मैं हूं लाइर गने हेलो गाइस गुड आफ्टरनून कैसे हो आप सब भाई होप आप सभी अच्छे होंगे जैसे कि आप जानते हैं आजकल हम चंडीगढ़ पहुंचे हों तो भाई दूज फर्स्ट ऑफ ऑल भाई दूज की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अभी हम पहुंचे होंगे छोटी दीदी के घर तो ये देखिए नब्बू जब से हम आए हैं तब से हम हमारे साथ मिली नहीं हुई है अप्रोक्सीमेटली एक डेढ़ घंटा हो चुका है उसके बाद मिलने आ रही है अभी तो एक चीज बताना चाहूंगा आपको तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये देखिए बॉल डिजाइन बॉल डिजाइन की जो बॉल टाइल के जगह आप ये डिजाइन जो आप देख रहे हैं ये यूज कर सकते हैं ये एक्चुअली वॉल पेपर होते हैं जिनको आप इजिली दीवार में इंस्टॉल करके बैकग्राउंड को छुपा सकते हैं चाहे बैकग्राउंड कैसा भी हो तो ये डिफरेंट कलर में डिफरेंट डिजाइन में आपको अवेलेबल मार्केट में इजिली हो जाएंगे। एक्चुअली इनका यही रहता है कि आपने शॉप पे जाके आपको इतना बताना पड़ेगा कि आपको कितने बाई कितने का जैसे 12x12 का वॉल पेपर चाहिए या फिर पीसीज में चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप के डिजाइन देखिए ये डिजाइन आप देख सकते हैं ये और सा है और ये अलग सा डिजाइन लगाया हुआ है तो ये आपकी टाइल की कमी की जैसे बॉल टाइल लोग चाहते हैं कि लगाना कि उनकी कमी को पूरा कर देते हैं और जब भी आप वीडियो क्लिप या फोटोशूट वगैरह या रूम आपका अच्छा डेकोरेट होगा इनके साथ। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद ताकि आपको बताएं और ये बहुत ही लो रेट पे लो कॉस्ट पे आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। ये देखिए तो अभी हम जैसे कि मैंने बताया दीदी के रूम पे पहुंचे हुए हैं तो आपको दिखाना चाहता था कि ये देखिए बैकग्राउंड में इन्होंने वॉलपेपर वगैरह लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो किसी की भी डिमांड है अगर वॉलपेपर वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये इजी टू इंस्टॉल रहते हैं आप शॉप से खरीद के इनको डायरेक्ट लगा सकते हैं खुद ही क्योंकि इनके पीछे बैकग्राउंड में ग्लू वगैरह रहता है जैसे कि कई पोस्टर होते हैं जिनमें बैकग्राउंड में ग्लू लगा रहता है उसी टाइप के ये भी रहते हैं इनको जो पीछे की स्ट्रिप है उनको निकालने का रहता है और उसके बाद आप डायरेक्टली इनको फिक्स कर सकते हैं वॉल के साथ। तो ये आपकी जो टाइल्स की कमी है उनको पूरी कर सकते हैं आपको टाइल लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप ये इंस्टॉल करते हो तो टाइल्स का ऐसा रहता है कि आपने एक बार फिक्स कर ली तो बड़े साल तक जब तक वो गिरे ना या खराब ना हो तब तक आप उनको चेंज नहीं कर सकते और इनका ऐसा नहीं रहता जब आपका मन ऐसा करे कि नहीं अब मैं ये डिजाइन पुराना हो चुका है मुझे चेंज करना चाहिए तो आप इजिली इसको चेंज कर सकते हैं। तो दीदी ने अपना एक कमरा अपनी फ्लोर का है ये कमरा इस तरीके से डेकोरेट किया गया है किया हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है
और ये लास्ट टाइम मैंने नब्बू को नहीं बताया था, तो ये है नब्बू। ये देखिए अभी पार्क में खेलने गई थी तो अभी आई है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, शेयर करेंगे आपके साथ और मजेदार वीडियो क्लिप्स।